तो बिहार में शराबबंदी कानून है। मैं चंपारण क्षेत्र से, जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां के सांसद जी भी हैं, डिप्टी सीएम भी वहां के हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक संलिप्तता भी इसमें है। पूछना चाहता हूं कि संजय जायसवाल जी, डायरेक्ट पूछना चाहता हूं कि आपकी पहचान क्या है? बिहार की बात आती है तो बिहार में शराबबंदी कानून है। मैं चंपारण क्षेत्र से पूर्व में राजनीति करता था और आज भी चंपारण के विषय में सोचते रहता हूं। पश्चिमी चंपारण में शराब, जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह क्या साजिश है? जिस जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां के सांसद जी भी हैं, डिप्टी सीएम भी वहां के हैं, मंत्री भी कई हैं वहां के, फिर भी वहां शराब पे अंकुश नहीं लगाया जा सका। कहीं ना कहीं राजनीतिक संलिप्तता भी इसमें है। इससे परहेज और गुरेज हम नहीं कर सकते, हम कह सकते। और सांसद महोदय तमाम तालियां बजाते रहते हैं हमारे चंपारण के, लेकिन उन पे कोई चीज का अंकुश नहीं है। कई वर्षों से सांसद रहे हैं, कई लोगों पे वो कमेंट करते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग दूसरी पार्टियों के दूसरे सांसदों पे कमेंट करते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप बताएं। मैं देख रहा था एक दिन कि गठबंधन के साथी चिराग पासवान पे भी वो कमेंट कर रहे थे, क्योंकि बोल रहे थे कि परिवार बात है, परिवार के चलते राजनीति में उनकी पहचान है। मैं जानना चाहता हूं कि संजय जायसवाल जी, डायरेक्ट पूछना चाहता हूं कि आपकी पहचान क्या है? स्वर्गीय मदन प्रसाद जायसवाल जी के पुत्र हैं, जो 3 बार सांसद थे। 2004 में रघुनाथ झा जी से पराजित हो गए थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। आपको विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़वाया आरजेडी, संजय जायसवाल जी को विधानसभा का चुनाव लड़वाया उन्होंने आरजेडी से, और आपको मात्र 5-6 हजार वोट आया। आपको सोचना चाहिए कि आप खुद, आपकी पृष्ठभूमि कोई संघ की नहीं है, आपकी पृष्ठभूमि कोई जनसंघ जनसंघ की उपज नहीं है, आपकी पृष्ठभूमि कोई भाजपा की उपज नहीं है। आपकी राजनीति की शुरुआत भी आपके पिता के द्वारा ही आपको विरासत में मिली, क्योंकि स्वर्गीय मदन प्रसाद जायसवाल जी के मरने के बाद तत्काल चुनाव आया और आपको उम्मीदवार बनाया गया था। खैर, ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि मैं भी पार्टी में हूं, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि किसी को दूसरे के घर में झांकने से पहले अपना देखना चाहिए। चिराग पासवान जी की बात मैं जहां तक करना चाहता हूं, चूंकि वो पुराना घर है मेरा, मैं उस घर में रह चुका हूं, मैं जानता हूं चिराग पासवान एक काबिल नौजवान साथी है। चिराग पासवान के बातों में, उसके शब्दों में जीव है, चूंकि उसमें रामविलास पासवान का वास है। रामविलास पासवान जी दलितों, पिछड़ों, शोषित वंचित लोगों की राजनीति किया करते थे, और बिहार के पहला नेता, देश का वो ऐसा पहला नेता है जिन्होंने स्वर्ण समाज के लिए, स्वर्ण समाज के गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए उन्होंने आरक्षण की मांग की। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को। उन्हीं का बेटा चिराग पासवान, जो आज जाति तोड़ो और समाज जोड़ो का नारा लेकर के बिहार में निकले हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जनमानस में उनका इसी तरह जनमानस की अगुवाई करते रहें और जनमानस उनका साथ दें। जहां तक मेरी बात है, मैं एक सच्चा देशभक्त हूं और सच्चाई बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी के साथ कोई बात कहता हूं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।